19वीं सदी में जब ब्रिटेन में अखबारों की शुरुआत हुई तब वहां राजनीतिक उथल पुथल का समय था। लोकतांत्रिक चुनावों में केवल उच्च वर्ग भाग लेते थे और निम्न तबके इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगाई ताकि शासन विरोधी विचार लोगों में न फैले। अखबारों की खबर व विचारों का सेंसरशिप होता और अप्रिय खबरों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। अखबार आम जनता की पहुंच के बाहर रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन पर कर लगाती थी, जिसे स्टाम्प कहा जाता था। मगर इसका असर उल्टा हुआ। छोटे छोटे छापाखानों में अवैध पत्रिकाएं छपने लगी और वे लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई। सरकार द्वारा पत्रिकाओं पर कर लगाने का भी विरोध हुआ क्योंकि इसे ज्ञान फैलाने पर कर के रूप में देखा गया। अंततोगत्वा 1858 में यह कर समाप्त किया गया और माना जाता है कि इसके बाद पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। लेकिन इस युग में पत्रिकाओं पर नियंत्रण सरकार के हाथों से निकलकर बड़े पूंजीपति घरानों के हाथों में चला गया। पत्रिका चलाना बहुत खर्चीला काम था और इसके लिए बहुत अधिक पूंजी का निवेश लगने लगा। यही नहीं, इसे चलाने के लिए विज्ञापनों की जरूरत थी जो केवल बड़ी कंपनियां ही दे सकती थी। वे न केवल अपने उत्पादों का विज्ञापन करते थे बल्कि अखबारों में किस तरह की खबरें छपेंगी और किस तरह के विचार रखे जाएंगे इन पर भी नियंत्रण करने लगे। जो बड़े पत्रिका घराने थे वे ही इतनी तादाद पर पत्रिकाएं छापकर हर क्षेत्र और प्रदेश में पहुंचा सकते थे, छोटे प्रकाशक नहीं कर सकते थे। 1930 तक ब्रिटेन में 4 घरानों के हाथ में लगभग आधे पत्र पत्रिकाओं का संचालन था, जिन्हें प्रेस बैनर या छपाई जागीरदार कहा जाता था। 20वीं सदी में अखबार प्रकाशकों में हुए परिवर्तन के कारण अखबारों की भूमिकाओं में परिवर्तन हुआ। अब उनका काम सिर्फ खबरें व विज्ञापन मुहैया कराना नहीं रह गया बल्कि उनके माध्यम से जन समूह को किसी खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। इसके कुछ उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखे जा सकते हैं, जब जर्मनी और ब्रिटेन के पास अखबार एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा करने वाली खबरें छाप रहे थे। इसी दौरान दोनों गुट के देशों के अखबारों में अतिराष्ट्रवादी भावनाएं फैलाने व सेना में भर्ती को प्रोत्साहित करने वाली खबरें प्रमुखता से छपती रहीं। जो भी हो, 1980 के दशक तक अखबार ही लोगों तक विचार और खबरें व विज्ञापन पहुँचाने के प्रमुख साधन रहे। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे साक्षर देशों में अधिकांश पुरुष और महिलाएं अखबार पढ़ते थे। ब्रिटेन में उदाहरण के लिए 1980 में लगभग 76% पुरुष और 62% महिलाएं अखबार पढ़ती थीं। 1980 के अंत तक टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकास हुआ जो छपी पत्रिकाओं का स्थान तेजी से लेने लगी। इस कारण से छपी पत्रिकाएँ गहरे संकट में पड़ गईं।